आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन द टू ट्रेन्स आर गिवन। दो ट्रेन हैं जो ट्रेवल कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं विद द स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर एंड 30 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। ये अलग अलग स्पीड नहीं है एक्चुअली फ्रेंड्स, ये 30 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड ही है। ये भी किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड ही है फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आ रही हैं इस स्पीड से 25 और 30 से, लेंथ दी है। इफ़ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 300 मीटर एंड द अदर ट्रेन इज 250 मीटर देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू क्रॉस ईच अदर। तो अपन को टाइम निकालना है जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन एक डायग्राम बनाते हैं दो ट्रेन्स का। जैसे ये एक ट्रेन है और ये एक ट्रेन है। ये दो ट्रेन हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इनकी स्पीड दी है। ये वाले ट्रेन की स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड और ये वाले ट्रेन की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाले ट्रेन की जो लेंथ है वो है 300 मीटर, ये पूरा ये वाला लेंथ, और ये वाला ट्रेन की लेंथ है वो है 250 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अपन से पूछा है कि ये कितने टाइम में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है, ये रिलेटिव स्पीड है। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होंगी तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड का ये कंसेप्ट है, जैसे व्हेन ट्रेन्स आर moving in opposite direction then their speed add up। ठीक है, तो इनकी जो स्पीड हो जाएगी वो एड हो जाएगी दोनों की। तो एक ये फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो इनकी ऐड हो जाएगी, तो स्पीड की जगह आ जाएगा 25 प्लस इसकी ये 30, तो 30 इज इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी क्योंकि ट्रेन की लेंथ, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ना तो इनकी लेंथ प्लस हो जाएगी। इतना ही डिस्टेंस तो ट्रेवल करना है फ्रेंड्स, तो 300 प्लस 250 डिवाइडेड बाय टाइम अपन को फाइंड करना है, तो टी मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये 25 और 30 हो गया 55 और 300 और 250 हो गया 550 डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम यहाँ से निकल के आएगा फ्रेंड्स, टाइम उतर जाएगा, 55 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 550 डिवाइडेड बाय 55, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स। तो अपना जो टाइम निकल के आया वो आ गया 10 सेकेंड्स। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।